हे फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक फ्लोरल प्रिंट में मैंने जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है उससे हम एक ब्यूटीफुल सा अनारकली बनाना सीखने वाले इस वीडियो में। तो उसके लिए मैंने ये क्रेप का फैब्रिक लिया है, मतलब कि अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपर बॉडी की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने कॉटन का अस्तर लिया है। अपर बॉडी में कॉटन डालेंगे एंड नीचे की बॉडी में जो है वो हम क्रेप डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाइट लूँगी अपर बॉडी की 15 इंचेस, ये 14 इंच की बनकर रेडी हो जाएगी इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पर लूंगी मैं शोल्डर का हाफ, शोल्डर 14 है तो उसका हाफ मैं लूंगी यहाँ पर 7 इंच। एंड देन उसके बाद यहाँ से नीचे लूंगी आर्म होल का हाफ, वो भी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। एंड इस तरह से एक लाइन बना दूंगी। चेस्ट का 1/4 लेंगे, चेस्ट 34 है उसका 1/4 ले लिया 8.5 एंड प्लस लिया 2 इंच का मार्जिन। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेस्ट है हमारी 30 इंचेस तो उसका 1/4 लिया 7.5 इंच, प्लस लिया हमने 1 इंच जो है वो टक्स पॉइंट के लिए एंड 2 इंच जो है वो हमारा मार्जिन। तो इस तरह से 3 निशान लगा लिए एंड यहाँ पर ये 2 लाइन भी हमने लगा दी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर से 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और एक हल्का सा राउंड शेप दे देंगे जो कि होगा हमारा बैक का आर्म होल। एंड यहाँ पर 1/2 इंच एंड बाहर की तरफ से 1/2 इंच, इस तरह से 2 निशान लगाकर यहाँ पर एक राउंड बनाएंगे और ये हो जाएगा हमारा फ्रंट वाला आर्म होल। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ जो है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच एंड नेक की लेंथ जो होगी वो फ्रंट के लिए मैं ले रही हूँ 6 इंचेस, ठीक है, एंड बैक के लिए हमारा अलग रहेगा। तो यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच एक और निशान लगा रही हूँ इस तरह से। एंड यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बनाऊंगी हाफ वाला एंड इसके अंदर राउंड शेप दे दूंगी ताकि ये शेप अच्छी तरह से आए। उसके बाद ये शोल्डर का 1/2 इंच डाउन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले कॉटन के फैब्रिक कट कर लिए, यानी कि अस्तर। एंड सबसे पहले ये इस तरह से हमने मेन फैब्रिक अस्तर जो है वो भी हमने यहाँ पर कट कर लिया है। तो इसके साथ ही ये भी कट कर लिया है। नेक भी हम जो है वो स्टिचिंग करते टाइम कटिंग कर लेंगे इसकी अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम करते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से 4-फोल्ड फैब्रिक लिया है हाइट वाइज। तो हाइट लिया है मैंने इसकी 20 इंचेस, हमारी फुल लेंथ हैंड है, बस हमने 10 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया क्योंकि हमने आगे की तरफ चुनर चाहिए यानी कि प्लीट्स चाहिए इसीलिए। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, आर्म होल का हाफ यानी कि 7 इंच एंड प्लस लेंगे यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन, ठीक है, या फिर आप 3 इंच भी ले सकते हो अगर आपको थोड़ा सा वहाँ पे बलून चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 इंच का मार्जिन। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ 5 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ इस तरह से एंड देन यहाँ पर भी लेंगे मैं 2 इंच का मार्जिन और ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर क्रॉस में इस तरह से जॉइंट कर दूंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले कॉर्नर से जो है वो नीचे 2 इंच पर इस तरह से। ये फैब्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपी है इसलिए थोड़ा सा परेशान होंगे कि हम इसमें मार्किंग एंड कटिंग करने में। तो यहाँ से नीचे मैं ले रही हूँ 2.5 इंच एंड यहाँ से नीचे और एक मैं निशान लगा रही हूँ 3 इंच पर इस तरह से। एंड जैसे हमारे स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे एंड इसी शेप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। देन हम अभी कट कर लेंगे नीचे वाला हिस्सा यानी कि नीचे का घेर। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से क्रॉस फोल्ड करके रख दिया है, मेन फैब्रिक नीचे रखा है इस तरह से एंड ये अस्तर का फैब्रिक है जिसको हमने ऊपर रखा है। दोनों को हम एक साथ में ही कट करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा वेस्ट का 1/4 यानी कि वेस्ट है हमारी 30 इंचेस तो उसका 1/4 एंड प्लस 1 इंच का मार्जिन यानी कि 8.5 इंच को मैंने यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में निशान लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। देन हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 8.5 पर मैंने निशान लगा दिया एंड यहाँ पर इस तरह से हल्का सा कर्व शेप दे दिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे तक इसकी हाइट मेजर करेंगे। तो यहाँ से नीचे हमारी कुर्ती की जितनी भी रेडी हाइट है उसमें हम क्या करेंगे, 14 इंच माइनस करेंगे अपर बॉडी का एंड नीचे 40 इंचेस पर हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरे राउंड में निशान लगाएंगे। तो हमने हर एक जगह इस तरह से इंच टेप को रखते हुए पूरे राउंड में 40 इंचेस पर इस तरह से जो है वो निशान लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये 40 इंचेस पर इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ हर एक इस मतलब
हर एक साइड में। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा राउंड बन चुका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाला एक हो गया एंड सेकेंड वाला ये इधर का राउंड हो गया ये वाला, एंड देन ये वाला जो कर्व की तरह आ रहा है ये वाला लाइन। तो इन दोनों लाइन को हम कट कर लेंगे। देन आप लोग देख सकते हैं हमने इसको कट कर लिया। तो साथ ही में हमारा मेन फैब्रिक भी कट हो गया यहाँ पर एंड अस्तर भी कट हो गए। तो सारे पार्ट्स हमारे यहाँ पर कट हो चुके हैं। अब हम करते हैं स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम अपर बॉडी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो फैब्रिक हमारे पास है, अस्तर एंड दो फ्रंट एंड बैक के दो पीसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हम करेंगे इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे एंड इसको प्रेस लगाकर इसके चारों साइड में सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो इतना हम सबसे पहले कर लेते हैं दोनों पार्ट्स में। तो आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दी है, नेक भी इसकी कटिंग कर दी है, यानी कि नेक की फिनिशिंग जो है वो कर दी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से एंड इसको पीछे की तरफ पलट देंगे एंड इसके चारों साइड में सिल देंगे। यानी कि ये जो हमने सेकेंड अस्तर लिया था इसको हम इस तरह से करके देखे, हमने अच्छी तरह से नेक की फिनिशिंग यहाँ पर कर ली है। अब दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे एंड शोल्डर के ऊपर हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है, शोल्डर हमारे यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम लगाएंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स को हमें क्या करना है, इस तरह से शोल्डर के सेंटर पर इस तरह से ले लेना है, आर्म होल के एक साइड से स्लीव्स को जॉइंट करते हुए पूरे राउंड में इस तरह से लेना है एंड हाफ इंच के मार्जिन से स्टिच लगा देना है। देनिए स्लीव जो है वो अटैच हो जाएगी। तो ये एक साइड हो गया, दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्लीव जो है वो अटैच कर लिए हैं, ठीक है। एंड इस तरह से हमारे अपर बॉडी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये है हमारा नीचे वाला घेरा, ठीक है। सबसे पहले तो ये है हमारा मेन फैब्रिक एंड ये थोड़ा सा स्लीपी है तो इसको सिलने में थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि ये हाथ में बैठते नहीं है फैब्रिक, इसलिए तो इसलिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा है अस्तर, ठीक है। तो इसको लाइनिंग का फैब्रिक, तो इसको हम क्या करेंगे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यानी कि ये दोनों फैब्रिक को वेस्ट में हम इस तरह से स्टिच लगाकर एक बना देंगे एंड नीचे की तरफ जो है वो मेन फैब्रिक में तो हम कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम पिको करने वाले हैं एंड ये सेकेंड फैब्रिक है अस्तर का, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको स्टिच लगा दी, ठीक है, एंड नीचे की तरफ भी हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। सेम हमने दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा अपर बॉडी है, ठीक है, यानी कि हमारी चोली वाला पार्ट, इसके ऊपर ये सीधी तरफ हमने इस तरह से रख दिया है। ये एक पार्ट है फ्रंट का, बैक का पार्ट पीछे की तरफ है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नीचे का घेरा है वो घेरा हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, ठीक है। यानी कि क्या होगा, इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर पूरा इस वाले कॉर्नर तक लंबी से लंबी एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पर पूरा। तो ये क्या होगा, दोनों सही साइड हमें एक तरफ रखना है, तो इससे क्या होगा कि ये इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों को हमने इस तरह से अटैच कर लिया, फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट में। अब हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग करेंगे। तो नॉर्मली जितना भी आपका बॉडी मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमने कटिंग की है उस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले तो स्लीव से स्टार्ट करेंगे और पूरा नीचे तक, आप नीचे वेस्ट और कमर से हिप से लेके पूरा नीचे तक हमें क्या करना है, इसकी फिटिंग कर देनी है दोनों साइड। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फिटिंग मैं ऑलमोस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। तो आपको मेजरमेंट के हिसाब से पहले आप ड्रॉ करके ले सकते हैं, देन उसके बाद फिटिंग कर सकते हो। एंड ये सब फिटिंग होने के बाद पूरा एंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नीचे की लेयर है जिसको हम पीको करने वाले हैं उसको हम बाद में पीको कर लेंगे। देन ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा एंड मैं इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ।